दर्पण समाचार और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रंग पंचमी का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ ग्राम सुखदास में मनाया गया। चिल्हारी स्थित ग्राम सुखदास में हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को रंग पंचमी मनाई जाती है। इस वर्ष यह पर्व आज मनाया जा रहा है। यह त्यौहार होली के त्यौहार के 5 दिन बाद आता है। पंचमी तिथि के कारण ही इसे रंग पंचमी कहा जाता है। इस दिन अबीर और गुलाल की छटा देखने को मिलती है। इस दिन राधा कृष्ण को रंग अर्पित किया जाता है। साथ ही कई जगहों पर शोभा यात्रा एवं विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। ऐसा ही भव्य कार्यक्रम ग्राम सुखदास में किया गया। श्री श्री 108 श्री सीता वल्लभ शरण जू महंत बड़ा अखाड़ा महर ग्राम सुखदास में रंग पंचमी कार्यक्रम में पहुंचे और सर्वप्रथम राम नाम संकीर्तन करवा कर सभी को भक्ति के रस में डुबो दिया। श्री महाराज जी द्वारा बताया गया कि रंग पंचमी का तात्पर्य है कि देवताओं की होली का अंतिम होली है। श्री राम जी जनकपुर में होली रंग पंचमी में किए थे। रंगोत्सव का उसी स्मृति में मंदिरों में मठों में पंचमी होली का त्यौहार मनाया जाता है। ग्राम सुखदास में कई वर्षों से होली रंग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और इस वर्ष भी होली रंग पंचमी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। होली और प्रहलाद की कथा का वर्णन करते हुए बुराई में अच्छाई की जीत का मार्मिक प्रसंगों वर्णन किए हैं। इस कार्यक्रम पर समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी संत समाज उपस्थित रहे। उमरिया से राजश्री मिश्रा की रिपोर्ट। विगत कई वर्षों से सुखदास में रंग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। रंग पंचमी का तात्पर्य है कि देवताओं की होली रंग पंचमी को अंतिम होली बीच श्री राम जी जनकपुर में होली रंग पंचमी के दिन किए थे अंतिम रंगोत्सव का। उसी के स्मृति में मंदिरों में मठों में और मंदिर से जुड़े हुए भक्तों के बीच में रंग पंचमी को होली के बाद जो चैत्र कृष्ण पक्ष में पंचमी होती है उस दिन रंग उत्सव का पर्व मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में विगत 20 वर्षों से सुखदास ग्राम के भक्तों द्वारा अभी श्रीमन सिंह जी के यहाँ और सुशील रामचरित्र इस ग्राम के सभी जितने भी ठाकुर लोग थे ब्राह्मण लोग थे और भी वर्ण के सब लोगों ने मिल करके चारों वर्ण के लोग मिल करके संकीर्तन करके अखंड संकीर्तन करके बराही माता कौन माता है अपने यह खेर माई है यहाँ की देवी जी में अखंड कीर्तन करके और रंगोत्सव कार्य किया जाता था। इस वर्ष वहाँ पर किसी कारणवश इस परिवार में कुछ घटना घट गई थी तो कार्यक्रम अवरुद्ध हो गया था। पुनः इस बार नए सिरे से इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए रमेश सिंह और उनके भक्तों द्वारा मिलकर के हनुमंत लाल जी के पुराना स्थलवा मंदिर में अखंड श्री राम सीताराम संकीर्तन करके रंगोत्सव का कार्यक्रम संपन्न किया गया। सभी भक्तों को भोजन कराया गया और भगवान श्री सीताराम जी के चरित्र पर प्रकाश डाला गया और उसके बाद कार्यक्रम को समापन का समय भोजन प्रसाद के बाद चल रहा। ऐसी ही बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।